है कमिन बाब। कमिन वेट, तुम लोग यहीं रुको, मैम बुलाएंगी तो आई विल कॉल यू इनसाइड। मिसेस थॉमसन, डू यू रियलाइज व्हाट योर सन वाज ट्राइंग टू डू? लेट मी टेल यू, ही वाज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्कूल एंड दैट टू इन द मिडिल ऑफ द नाइट। आपने अपने बेटे को स्कूल में भेज तो दिया है, बट डू यू नो हाउ स्ट्रिक्ट वी आर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस? और आपके बेटे ने स्कूल का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है। ये तो अच्छा हुआ कि गार्ड्स और स्कूल के टीचर्स ने इसे रोक लिया, नहीं तो क्या होता? Who would have taken the responsibility? मैम क्या बोलूं, ये तो है ही ऐसा। हमें यहाँ बुलाने के बजाय आपको इसे स्कूल से निकाल ही देना चाहिए। आदत है इसकी गुंडागर्दी करने की, मारापिट्टी करता रहता है स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा। पिछले स्कूल ने तो इसी वजह से इसे निकाल दिया था। वाह, सो यू आर ट्राइंग टू से योर सन हैज क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं मैडम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज आप इनसे कहिए कि ये सच नहीं है। अरे मैं गलत क्या कर रहा हूँ? तू ही बता दे, पिछले स्कूल से तुझे निकाला गया था, यही सच है? और वैसे भी मेरे सच और झूठ कहने से क्या फर्क पड़ता है, जो है उनके सामने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम उस रात मुझ पर हाथ उठाते और ना ही वो चीख सुनकर इतना घबरा जाता। तुम अच्छी तरह जानते हो वो इसीलिए भागा ताकि वो मुझे बचा सके तुमसे। चुप, बकवास बंद कर। बकवास तुम अपनी बंद करो, और अगली बार मेरी माँ से ऐसे बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे? हाँ सिखा, बोल। देख लिया, मैंने बोला था ना वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा जिसकी वजह से नहीं आ पाए मेरी मदद करने। हम लोगों को देखो, हमने एक बार उसको सफाई देने तक का मौका नहीं दिया।